अनुपमा सीरियल के फैंस इस खबर को सुनकर हैरान थे कि शो में अनुपमा की बहू सारा कपाडिया का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अलमा हुसैन ने भी शो को छोड़ दिया है। बता दें कि अलमा शो में समर की गर्लफ्रेंड के रोल में थी, जिसे अनुपमा की बहू के तौर पर ही जनता देखती थी, लेकिन शो में अलमा को मेकर्स दिखा नहीं रहे थे। उनका स्क्रीन स्पेस बेहद कम था, जिसकी वजह से अलमा ने फाइनली शो को छोड़ने का फैसला किया। वहीं अब खबर सामने आई है अलमा के नए शो पर, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अलमा ने राजन के शो को इस नए शो की वजह से ही छोड़ा है। जी हां, दरअसल खबरें सामने आई हैं कि अलमा जल्द ही श्वेता तिवारी के नए शो अपराजिता में नजर आएंगी, जो कि जल्द ही जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है। शो का हाल ही में एक प्रोमो वीडियो भी जारी किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। खबरें हैं कि इस शो में पहली बार अलमा बेहद अलग और अहम किरदार निभाएंगी। दरअसल टीवी इंडस्ट्री में अलमा को आए ज्यादा वक्त नहीं बीता और अब तक वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही नजर आई, वो भी कुछ एक शो में। वहीं अब कहा जा रहा है कि श्वेता के शो अपराजिता में अलमा का किरदार बेहद इम्पोर्टेंट होगा। पहली बार उन्हें कोई बड़ा रोल मिल रहा है, जो अलमा के करियर के लिए सुनहरा मौका होगा। हालांकि अभी अलमा के किरदार को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि अलमा एक ऐसे किरदार में होंगी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। अनुपमा शो को छोड़ने के तुरंत बाद अलमा का नाम श्वेता के शो से जुड़ना इस बात का इशारा देता है कि इस शो के लिए ही अलमा ने राजन के शो को छोड़ा है। आपको बता दें कि अलमा ने अपने करियर की शुरुआत 2021 में ही की है। अलमा हुसैन ने सोनी टीवी के शो धड़कन जिंदगी की में डॉक्टर सिया का रोल निभाया था, लेकिन उन्होंने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया था। वहीं अनुपमा शो में उनके किरदार को भी काफी पसंद किया गया, लेकिन पारस कलनावत की एग्जिट के बाद से उनका किरदार बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया। हालांकि अब देखना तो यह है कि अलमा को क्या वो शोहरत और कामयाबी श्वेता के नए शो अपराजिता से हासिल होगी, जिसकी तलाश में वो पिछले लंबे समय से स्ट्रगल कर रही हैं।